हर तरह सफर सुनील का किचन में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जीविकंद। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। तो ये देखिए, मैं ये आधा किलो जीविकंद ले रखी हूँ। ऐसे बिहार में होल कहते हैं गांव में, और यहाँ जीविकंद कहते हैं, सूरन भी बोलते हैं। तो इसे पहले छील लेते हैं। तो ये देखिए, मैं जीविकंद के साथ मैं आलू भी डाल रही हूँ। तो ये आधा किलो आलू है। मैं इसे आलू को छील ली हूँ, इसे साफ कर ली हूँ, धो ली हूँ। तो ये देखिए, दो प्याज काट ली हूँ। ये अदरक लहसुन जीरा गोलकी का पेस्ट है, बना ली हूँ। तो इसे सबसे पहले आलू को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म करके रख रखी थी पहले से, गैस ऑन करके। तो इसमें मैं आलू को तल ले रही हूँ, सबसे पहले आलू को। तो ये देखिए, मैं सारे आलू को इसी में डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे चला लेते हैं। इसे गर्म फ्राई होने के लिए इसे छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तब तक ये जीविकंद को मैं छील ले रही हूँ। तो ये देखिए, इसे साफ कर लेंगे इसी तरह से, इसे चाकू के सहायता से इसे छील लेंगे। ये काटता नहीं है, ये जो गांव वाला रहता है वो काटता है। तो ये देखिए, इसका सब्जी बनाकर खाइए ठंड के मौसम में। ये गर्म होना चाहिए इसे, ये गर्मी बहुत देता है ये। तो ये देखिए, इसी तरह सारे को काट लेंगे, सारे पीस को। ये देखिए, इसी तरह सारे पीस को काट लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे को मैं काट ली हूँ, छोटे छोटे पीस में कर ली हूँ। ये देखिए, इतना पतला पतला साइज में रहना चाहिए। तो ये देखिए, सारे को मैं काट ली हूँ। अब आलू इतना पका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग आलू भी पक गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को भी निकाल लिए हैं। अब इसमें जो काट के रखे थे, ये सूरन को या ओल को ही कहिए या जीविकंद को, तो इसमें डाल लेते हैं। इसे भी तलते हैं, आधा आधा गैस करके से तल लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसे लाल करके तल लेंगे। इसे थोड़ी आँच को धीमी कर लेंगे 3 से 4 मिनट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है 2 से 3 मिनट में। इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरी बैच भी तल लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। इसी तरह सारे को तल लेंगे इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे को तल लिए हैं। इसे ये देखिए, मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। तो ये देखो, कितना अच्छा से ये सीज गया है। तब इसे ग्रेवी बनाते हैं इसका। तो ये देखो फ्रेंड्स, कढ़ाई को चढ़ा रखे थे, गर्म हो गया है। इसमें तो ये सरसों का तेल डाल दे रही हूँ 2 से 3 चम्मच। इसे गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है। ये 2 तेज़पत्ता है, इसे डाल दे रही हूँ। तो ये खड़ा मिर्च है लाल वाला, तो इसे डाल देती हूँ तोड़कर, इससे स्वाद बढ़ जाता है। तो ये देखिए, प्याज जो काट कर रखे थे इसमें डाल देते हैं। इसे चला लेते हैं। इसे 3 से 4 मिनट तक के गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। प्याज को लाल करके भून लिए हैं। अब इसमें जो मसाला पीस कर रखे थे वो डाल दे रहे हैं। ये सब्जी बहुत अच्छा बनता है। इसके आगे चिकन भी तेल है। तो ये देखिए, मसाले को अभी भूनेंगे। तो इसमें नमक डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार। तो ये देखो, स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। इसे चला लेते हैं। इसमें हल्दी डालेंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, 1 चम्मच हल्दी डाल दे रहे हैं। थोड़ी सी और डाल दे रहे हैं कलर लाने के लिए। तो इसमें हम मिर्च डालेंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये लाल मिर्च है, तीखी वाली, थोड़ी सी डाली हूँ, 1/2 चम्मच।
ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च भी पीस कर डाले थे। अब कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ कलर लाने के लिए। तो ये देखो एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रहे हैं कलर लाने के लिए, ये तीखी नहीं होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं मीट मसाला डाल दे रही हूँ उसमें, ये पूरा पैकेट डाल देंगे। तो इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे भूनेंगे। तो ये देखिए हल्का सा पानी डाल देना, इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए भूनेंगे मसाले को। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये भून गया मसाला, ऑयल भी तेल भी छोड़ दिया इसमें। तब इसमें जो भून के रखे थे आलू उसे भी डाल देते हैं, आलू का रोल 2 से 3 मिनट तक के भी भूनेंगे मसाले में। तो ये देखो इससे सब्जी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। चिकन मटन को भी फेल कर देता है इसके आगे, सब की फेल है चिकन मटन भी फेल है इसके आगे। 2 से 3 मिनट तक ऑफ फ्राई करेंगे इसे मसाले में। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक गिलास पानी डाल दे रहे हैं, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितना ग्रेवी रहे रख सकते हो उतना ही डालिएगा। तो ये देखिए एक गिलास पूरे डाल दिए हैं, मैं हल्का सा ग्रेवी रखूँगी ज़्यादा नहीं रखूँगी। तो ये देखिए इसमें हल्का सा गर्म मसाला डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये गरम मसाला है घर का बना हुआ, इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे हल्का सा डालेंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं, इसे 2 से 3 मिनट तक के इसे दबकने देते हैं, जिसमें खोल आ जाएगा तो इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी बनके रेडी हो गया है, गैस को बंद कर रखी हूँ। तब इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी बनके रेडी हो गया है, सूरन की सब्जी या बोलियोवल की सब्जी या जीविकंद की सब्जी बनकर रेडी हो गया है। कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।